जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कहाँ से आए बेटा आप? सफूरा से आए हैं। आप समंदर इतना खतरनाक चल रहा है, उसके बाद भी आप सफूरा से आए देखने के लिए, आपको डर नहीं लग रहा है इससे? हम कराची वाले ना, तो एक जुनून सा होता है। कराची वाले हैं तो अपनी फैमिली को साथ भी लेके आ गए? बस फैमिली। तो क्या अभी आपको बताया कि कराची से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर रह गया है, वो जिस तरह का ये इतना देश चल रहा है समंदर, तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। 144 भी लगी हुई है, ये देखें आप कितनी आवाज़ें आ रही हैं, खौफनाक किस्म की आवाज़ें हैं। देखिए यहाँ भी फैमिली खड़ी हुई है, पीछे भी फैमिली खड़ी हुई है हमारे। अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा, लेकिन एहतियात करें। देखिए मोबाइल खड़ी हुई है, मोबाइल पकड़ के ले जाइए। देखें बार बार आ रही जा रही है, और यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, और भी लोग हैं। बेटा आप कहाँ से आए हैं? शाह फैसल से आए हैं। सर 144 लगी है फिर भी आप शाह फैसल से आए हैं जी? कैसे नहीं, देखिए आई तो है लेकिन 144 लगी हुई है, मोबाइल भी है, फिर खतरा है समंदर। वो रही मोबाइल क्या? अच्छा समंदर आपको बताया अभी कराची से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ठट्टा और बदीन कैटी बंदर पे तो खतरा है, वहाँ तो टकराएगा टकराएगा, लेकिन आप देखिए ना जितनी मौजों में चल रहा है वो इतना खतरनाक, आपको क्या इससे देख के कोई खौफ नहीं आ रहा कि अगर बंदा गिर जाए इसमें बच ही नहीं सकता? ये देखिए ना यहाँ जब हम नॉर्मल आते हैं सीबीओ के ऊपर तो ये पानी बहुत दूर होता है, ये देखें आप। तो आप लोगों से क्या बोलेंगे कि जैसे आप आ गए हो, आप ना आए तो बेहतर है? नहीं, मैंने भी लोग ही बनाने आपकी तरह जैसे नहीं आए, नहीं आए देखे हैं, लेकिन लेकिन यहाँ लोग तो ऊपर खड़े हो रहे हैं ना, मसला ये है। अपना भी ख्याल रखें, देखिए पानी की लहरें देखें आप, देख काफ़ी लोग आए हैं, फैमिली खड़ी हुई हैं। अंकल आप कहाँ से आए हैं? आप कोरंगी से आए, इतना खतरनाक चल रहा है सीन यहाँ पर, आप यहाँ पर कोरंगी से आ गए हैं, ख्याल करें थोड़ा। कोरंगी से यूँ आए, हम तो आए थे इकरा यूनिवर्सिटी। इधर आए धूप धूप, इधर आए धूप। कहाँ से आए? इकरा यूनिवर्सिटी आए थे। इकरा से आए हैं आप? इकरा यूनिवर्सिटी आए थे। तो बच्चों को दिखाने के लिए आए? वहाँ से आए, वहाँ से भगवान। ये देखें चाचा गीले हो गए, चले। तो ये सर देखें कराची के अंदर इतना खतरा मौजूद है, उसके बावजूद भी आवाम आ रही है, खिलाफ वर्जी कर रही है। कराची वाले तो खतरों से ही खेलते हैं। खतरों से देखिए सर, समंदर से ना खेलें ये किसी का नहीं होता है, बड़े बड़े जहाज़ों को ही गलत कर देता है। जी जी जी। तो देखिए ठट्टा में केटी बंदर पे बहुत खतरात हैं, कल सुबह तूफान टकराने की पेशगोई की गई है, और कल बारिश कराची में बहुत होंगी। आपको बताया सर, देखिए वो सही हस्ती है, लेकिन मेन चीज़ है कि हर चीज़ की डोर अल्लाह के हाथ में होती है, सही है ना? आप देखें ये हस्तियाँ, ये अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, इनकी बदौलत कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें भाई, वो बाकी देखें लोग भी देखें, बच्चे भी आपके माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखें आप समंदर बहुत देखें, ये देखें आप। जब आप ऊपर नहीं जाओ ना, ऊपर चले गए।